देवघर से सिटिंग विधायक भाजपा प्रत्याशी नारायण दास की ओर से लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान नारायण दास अपने दर्जनों समर्थकों के साथ मोहनपुर क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान विधायक नारायण दास वहां के स्थानीय ग्रामीण से मिले, उनका हालचाल जाना और अपने पक्ष में वोट देने की अपील की है। जनसंपर्क के दौरान विधायक नारायण दास ने मोहनपुर क्षेत्र के कर्णकौल, दासडी, चिरधनिया, झारखंडी सहित कई गांवों का दौरा किया। बात करने के दौरान विधायक ने कहा कि पिछली बार 50,000 वोट से विजयी हुए थे, लेकिन इस बार भाजपा की ओर लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। जनता का मिजाज बता रहा है कि भाजपा छोड़ सभी का जमानत जब्त हो जाएगा। जहां जाता हूं लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव दिखता है, इस बात का संकेत है कि सारे लोग मोदी जी के साथ हैं, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और झारखंड का विकास चाहते हैं। इसलिए देवघर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और पार्टी का जो लक्ष्य है 65+, हम उसमें कामयाब होंगे। उसमें बढ़कर हम 70+ भी हो सकते हैं और देवघर विधानसभा गत चुनाव में 50,000 वोट से चुनाव जीता था। इस बार लोगों का जो जनसैलाब है, लोग इस रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि विपक्षियों का जमानत जब्त हो जाएगा और 1,00,000+ से हम देवघर विधान फतह करेंगे।